हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टीटी प्लेइंग 11 में। आज आप बात करें सैन फ्रांसिस्को जायंट्स वर्सेस लॉस एंजल्स डॉडगर्स एमएलबी लीग के बेसबॉल मैच के बारे में, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपनी टीम मिले किस पर को पिक करना है, किस पर को ड्रॉप करना है। हम बात करें ड्रीम टीम के बारे में और जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आइए हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। तो दोस्तों, ये आपका अपना टेलीग्राम ग्रुप होने वाला है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वो वर्क नहीं कर रहा तो आप टेलीग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए टीटी प्लेइंग 11, तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे और आपके साथ यहाँ पर तरीके बंदे जुड़ चुके हैं। और दोस्तों, जो हमने कल मैच कवर किया था एमएलबी लीग का, वो हमने अल्ट्रा क्लूनशिप कर लिया है और ट्राई करूँगा कि आज के मैच में आपको अल्ट्रा क्लूनशिप करवा दूँ। मैंने दोस्तों 4 के 4 मैचों को कवर किया और आपको पता ही होगा कि कितनी अच्छी खासी विनिंग दी हमने इन मैचों में। तो दोस्तों, आपको विनिंग के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना ही पड़ेगा और यहाँ पर आने के बाद आपको विजन 11 का लिंक देखने को मिल जाएगा। तो विजन 11 को आपको डाउनलोड कर लेना है और काफ़ी अच्छी खासी पैसे कमाने हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन है वो काफ़ी कम है और एंट्री फीस भी काफ़ी कम है, यानी कि आपको जो जीतने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर आप टेलीग्राम पर आते हैं और इसको ज्वाइन करते हैं। तो अब बात करते हैं ड्रीम टीम के बारे में। उससे पहले बात करते हैं दोस्तों टीम परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों, बात की जाए टीम परफॉर्मेंस के बारे में जो सबसे ज़रूरी होती है, तो सबसे पहले बात करते हैं जेंट्स के बारे में, यानी कि लॉस जो। तो दोस्तों, जेंट्स के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो जेंट्स का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा खासा है, जहाँ पर दोस्तों इन्होंने 107 मैच ओविन 55 रन की 55 मैचों में उसका सामना किया। और लास्ट 10 रिसेंट मैच परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 8 में भी और 2 मैच में उसका सामना किया। तो पता चल रहा है कि जो इनका रिसेंट परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है और टीम परफॉर्मेंस काफ़ी नेक्स्ट लेवल का है। तो डॉडगर्स के बारे में बात करेंगे, एलईडी के बारे में, तो एलईडी ने दोस्तों अभी तक आप चेकआउट करेंगे 106 के 106 मैच प्ले विन किए और 56 मैचों में इन्होंने लॉस का सामना किया। और लास्ट 10 रिसेंट मैच के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो 9 मैचों में विन और 1 मैच में लॉस का सामना किया। तो इनका परफॉर्मेंस काफ़ी नेक्स्ट लेवल का है, तो दोनों टीमों से काफ़ी अच्छे खासे उठाकर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बता दूँ, इस मैच में काफ़ी कम पैसा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि दोनों ही टीम काफ़ी अच्छी खासी है, तो सभी प्लेयर आपको अच्छे खासे मिलने को देखने वाले। तो इसमें दोस्तों पोजीशन थोड़ी ख़राब जा सकती है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इस दो मैच में आपको काफ़ी कम पैसे इन्वेस्ट करके चलना है, क्योंकि दोस्तों इस मैच में जो आपको सभी प्लेयर मिल जाएंगे, काफ़ी नेक्स्ट लेवल के प्लेयर मिलेंगे सभी के सभी। और इस मैच के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करूँ तो आपको 4-5 या फिर 5-4 का ही ट्राई करना है, यहाँ पर आपको 3-6 या फिर 6-3 के कॉम्बिनेशन साथ नहीं जाना है, क्योंकि दोस्तों दोनों ही टीम काफ़ी अच्छी खासी है और दोनों ही टीमों का जो रिसेंट परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है। तो ड्रीम टीम दो, उससे पहले दोस्तों मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फाइनल टीम टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और उसी से मोटिवेट होकर मैं आपकी अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छी टीम तक टेलीग्राम पर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। हम इसको ओपन करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी टीम में कौन से फील्डर, कौन सी फील्डर, कौन से पिचर, कौन से कैचर, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले। तो वीडियो आपको एंड तक वॉच कर लेनी है, जो वीडियो एंड तक वॉच करेगा उसको इस मैच के बारे में काफ़ी अच्छी खासी विनिंग टीम प्लस काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज मिलने वाली है। तो हम स्टार्ट करेंगे ऑफील्डर सेक्शन से। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ड्रीम टीम के बारे में। तो उससे पहले आपको बता दूं, फिलहाल मैंने मुक्की बैट्स को अपनी टीम से ड्रॉप किया, क्योंकि ड्यू टू क्रेडिट इशू दोस्तों इस मैच में मुझे काफ़ी नेक्स्ट लेवल के प्लेयर मिले, तो मैंने मुक्की बैट्स को फिलहाल अपनी टीम से ड्रॉप किया। बाकी जो फाइनल टीम होगी वो आपको स्टैट के आधार पर मिलेगी, स्टैट निकालूंगा, एनालिसिस करूंगा, फिर स्टैट निकालूंगा और फिर आपको फाइनल टीम टेलीग्राम पर आप ट्रेन ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ मैटर्स के बारे में बात करेंगे, तो जो इनका लास्ट मैच का परफॉर्मेंस था काफ़ी नेक्स्ट लेवल का था, और दोस्तों हम सभी बताएं कि काफ़ी एक्सपीरियंस और भरोसेमंद प्लेयर है, तो हम इन्हें अपनी टीम में लेकर चल सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपका जो अपोनेंट होगा अपनी टीम को किस तरह पिक करेगा, वो या तो ये देखा उससे कितने पॉइंट्स हैं या फिर वो देखा दोस्तों उसने कितने वो कितना सिलेक्टेड परसेंटेज है, वो इन्हीं के आधार पर दोस्तों टीम को पिक करेगा और फाइनल टीम लगा देगा, क्योंकि दोस्तों उसको लाइनअप दिखेगा और वो पैसे लगा देगा और आपको ये गलती नहीं करनी है। बाकी टीम आपको मिलने वाली, तो टीम के बारे में को 1% भी टेंशन की जरूरत नहीं है, आप टेलीग्राम पर जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। हम दोस्तों बात करें पोलक के बारे में, जो पोलक का जो परफॉर्मेंस था पिछले मैच में काफ़ी डाउन था, लेकिन दोस्तों पोलक मेरे लिए काफ़ी अच्छे खासे प्लेयर है और पोलक को मैं अपनी टीम से ड्रॉप नहीं रखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो इनका परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा खासा रह सकता है। और दोस्तों, अगर आप पोलक को अपनी टीम से ड्रॉप करेंगे तो दोस्तों वेड जूनियर भी आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता, तो मतलब मैचों में ड्रीम टीम में रहते हैं, बाकी मैं फिलहाल इन्हें अपनी टीम से ड्रॉप लेके चलने वाला हूँ। टेलर के बारे में बात करें तो टेलर का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा खासा है लास्ट दो मैचों से, और जो इनका सेलेक्टेड इनके पीछे जो मेजोरिटी है वो भी काफ़ी कम है। और मान लीजिए अगर इन्होंने इतना परफॉर्मेंस भी कर दिया और इनका सेलेक्ट में इतना ही रहा, तो ये मैच मैं आपको क्लीनशिप करवा दूंगा और बाकी मेरी ट्राई रहेगी दोस्तों ये मैच आपको अल्ट्रा क्लीनशिप भी करवा दूँ। अब बात दोस्तों बलेंगर के बारे में, तो बलेंगर जो परफॉर्मेंस था लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा खासा था और सेलेक्टमेंट भी काफ़ी कम था, दोस्तों आपको देखने मिला कि बिना होम रन के भी इन्होंने काफ़ी अच्छे पॉइंट कलेक्ट कर लिए थे। और फिलहाल मैं अपनी टीम में सिर्फ इन्हें अपनी टीम में सिर्फ इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि इनके पीछे जो मेजोरिटी जो इनका सेलेक्टमेंट वो भी काफ़ी कम है और आपके एज अ प्लेयर के लिए काफ़ी बड़ी चॉइस होने वाली है। हम दोस्तों बात करें इनफील्डर सेक्शन से, तो फिलहाल मैंने टेरिया टर्नर, दोस्तों बेल्ट ब्रैंडन क्रॉफोर्ड, मुंशी और दोस्तों जस्टिन टर्नर को अपनी टीम से ड्रॉप किया, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि इस मैच में आपको सभी प्लेयर काफ़ी अच्छे खासे मिलने वाले हैं। तो बात बाकी दोस्तों बात करते हैं अब
दोस्तों आकाश नाम के बंदे ने हम काफ़ी अच्छा सा पैसा विन कर लिया, तो कौन सी आकाश अब बात करते हैं मैच के बारे में। तो सीकर सीकर आपके लिए काफ़ी बड़ी सोच होगी तो इस मैच के लिए, क्योंकि जो मैंने स्टैट निकाले अभी तक थोड़े बहुत स्टैट मैंने चेक कर लिए, जहाँ पर मुझे लगता है कि आज के मैच में कोरी सीकर एक होम रन लगा सकते हैं। और आज के मैच में मैं अपनी टीम में उसको ट्राई करने वाला हूँ, बाकी जो फाइनल टीम होगी उसमें कुछ चेंज भी हो सकते हैं, और चेंज जानने के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। ब्रांड के बारे में बात करें तो जो ब्रांड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा था, आप चेकआउट कर सकते हैं 21 पॉइंट्स। दोस्तों इतने बड़े पॉइंट्स कोई कैसे कलेक्ट कर सकता, क्योंकि जो इनका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी डाउन चल रहा था, और बैटिंग इनकी जो जब इनके बैटिंग रहते हैं काफ़ी लेट आते हैं, तो ब्रेंट का जो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा है। दोस्तों पिछले मैंने शकरजर को ट्राई किया, मुझे पता है कि दोस्तों पिछले मैच का परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन था, बाकी दोस्तों मैं मुझे पता है आपको पता है कि अगर गोसमैन हो, वैब हो, यूरियस हो, दोस्तों बुल रहा फिर से बोला जरो कोई भी प्ले करेगा तो हम उन्हें अपनी टीम में कैप्टन लेके चलूंगा। दोस्तों कोई भी प्ले करे, आप किसको भी ट्राई कर चल सकते हैं, दोस्तों आप गोसमैन को ट्राई कर सकते हैं, आप दोस्तों वेब को ट्राई कर सकते हैं, और दोस्तों आप यूरिस को भी ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल हम वेप्टर को अपनी टीम से ढूंढ कर वेब को ट्राई करते हैं, क्योंकि जो वेब का परफॉर्मेंस था पिछले मैच में काफ़ी अच्छा खासा था, और दोस्तों सरजर का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। फिलहाल मैं अपनी टीम में सरजर को लेकर चलने वाला हूँ, बाकी जो फाइनल टीम होगी मैं वेब को भी ट्राई कर सकता हूँ। कैसे दोस्तों मैंने फिलहाल पोसी उठाया, क्योंकि पोसी का जो परफॉर्मेंस था पिछले मैच में काफ़ी अच्छा खासा था, और दोस्तों इनके अलावा हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं होने वाले, क्योंकि और कोई कैसे प्ले करे ना करे ये कन्फर्म प्ले करने वाले हैं। टीम का प्रयोग लेते हैं, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मैंने टीम में 4 आउटफील्डर 3 फील्डर 1 पिचर कैचर को ट्राई किया। कैप्टन चॉइस दोस्तों मैंने अपनी टीम में आपको बता चुका हूँ, कैप्टन चॉइस मैं रखूँगा सकुराचर को, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि मेरे लिए काफ़ी अच्छा होने वाली है। एक मिनट में कैप्टन बना देता हूँ, दोस्तों पहले कैप्टन से अगर और वेब प्ले करेंगे तो मैं वेब को रखूँगा, क्योंकि कैप्टन सोचते दोस्तों मैं पिक्चर की तरफ जाना चाहूँगा इस मैच के अंदर। चाहे कोई भी प्ले करेगा तो मैं दोस्तों कैप्टन से पिक्चर से रखूँ, ये नहीं कि मैं सगर से कोई ट्राई करने वाला हूँ। अगर वेब प्ले करेंगे तो मैं वेब को अपनी टीम में कैप्टन हूँ, यूरिस प्ले करेंगे तो मेरे यूज को मेरी टीम में कैप्टन रखकर चलने वाला हूँ। दोस्तों वो कैप्टन के लिए मेरी सीकर को अपनी टीम में फिलहाल ट्राई करने वाला हूँ, बाकी जो फाइनल टीम होगी मैं वहाँ पर जस्टिन टर्नर या फिर दोस्तों ट्रे टर्नर को मेरी टीम में वो कैप्टन बनाकर चल सकता हूँ। तो इसको सेव कर देते हैं। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है आप सभी को पता है, तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फाइनल टीम टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।